सारा जड़ है। अगर सनातन धर्म और सनातन परमात्मा से हम अलग होने की चेष्टा करेंगे तो कुछ समय तक हरा भरा जरूर लगेगा, लेकिन इसके पश्चात जब सूखेगा तो फिर कोई उसे हरा भरा करने वाला नहीं है। सनातन धर्म से जितनी डालियां जितने पौधे अलग हुए आज वो सब सूखने के कगार पर है। कई बार आप लोगों को ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि अमुक व्यक्ति एकदम धर्मच्युत है, न वो पितरों के लिए कुछ करता है न वो देवताओं के लिए कुछ करता है, कभी पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण भगवान को कथा भी नहीं सुनता और एकदम फर्क बोल रहा है। मत भूलिएगा कि वो आज भी कटा हुआ है। कुछ समय के बाद जब पत्तियां हरी भरी समाप्त होने लगेंगी, फिर टहनिया और फिर तने पर वो हरी धीमा गायब होने प्रारंभ होगी, तब वो चाह कर भी कितना भी संबंध बनाने की चेष्टा करे संबंध बनाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए अगर कोई ऐसे एकाध वृक्ष दिख जाते हैं जो गलत कार्य करते हुए भी हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं तो ये समझिएगा कि ये कुछ समय तक के लिए ही हरे हरे, ये हमेशा के लिए हरे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने अस्तित्व को चैलेंज दे करके अपनी सत्ता कायम कभी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व परमात्मा है, आपका मूल जो उत्स है, आपका वो जो गोमुख है जहां से आपकी ये गंगा निकली हुई है, आप उससे च्युत होकर के कुछ दिन तक प्रवाहित तो हो सकते हैं लेकिन आखिर में सूखना पड़ जाएगा। इसलिए आज समापन का दिवस है। समापन के दिवस में मेरा प्रयास ये होगा कि हम मूल जो महापथ है उसको छोड़कर बहुत गलियों में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वापस आने में समय लगेगा और कथा की परिपूर्णता में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी दो तीन चीजें मैं बदला लेना आवश्यक समझता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अभिप्राय ये है कि उस कैरेक्टर को देखिए जिसके लिए ये कथा कही गई है। यदि आप उन्हें परीक्षित मानते हैं तो ये समझें कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये आपके परीक्षित रूपी जीवात्मा के लिए है और जीवात्मा का उद्धार आपका मूल प्रयोजन होना चाहिए। यदि आप वेद व्यास हैं और श्री नारद जी आपको कथा सुना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप फिर कभी दुखी न हो। मतलब श्री वेद व्यास जी चार वेद 17 पुराण महाभारत लिखने के बावजूद असंतुष्ट थे, ये प्रथम दिवस द्वितीय दिवस की कथा में मैंने बताया था। लेकिन उन्हें आनंद की प्राप्ति कब हुई? जब श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने सृजन किया। कैसे? जल का स्पर्श किया पहले। किसका स्पर्श किया? जल। जिस दिन आप जल का स्पर्श करने में सक्षम हो जाएंगे उस दिन ये ध्यान रखिएगा आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, आप अपने मूल अस्तित्व से जुड़े जाएंगे। क्या आपने आज तक जल का स्पर्श किया? नहीं किया। जल के स्पर्श से थोड़े से दूर आप रोज पहुंच जाते हैं लेकिन पूरा जल को स्पर्श नहीं कर पाते। जल को स्पर्श करने के लिए प्राथमिक शर्त है कि संसार से आपको दूर जाना पड़ेगा। जो पुराने श्रोता हो तो हो सकता है मेरे वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा कैच कर रहे हो कि मैं कहां पहुंचूंगा। जल को स्पर्श करने का तात्पर्य ये है कि जल आप तभी स्पर्श कर पाएंगे जब आप संसार से दूरी बनाए। वो संसार से दूरी आप प्रतिदिन रात्रि के समय निद्रा में दूरी बना लेते हैं। संसार से आपका पूर्णतया संपर्क समाप्त हो जाता है उस समय। ना आपके कर्मेंद्रियां कुछ आपको रिपोर्ट करती हैं कि आई एम फीलिंग दिस एंड दिस, ना आपकी ज्ञानेंद्रियां कुछ करती हैं,
न आपका मन स्वप्न दिखाता है, न आपकी बुद्धि विश्लेषण करता है और न सोने वाले को यही पता होता है कि वो अमुक व्यक्ति जिसका नाम ये है, जो बड़ा ही गोरा है, बड़ा ही खूबसूरत है, वही सो रहा है। मालूम होता है? नो, यानी संसार के जितने अवयव है, सोने वाला उन सब से दूर हो जाता है। जल को स्पर्श करने के लिए प्राथमिक शर्त है कि आप संसार से दूरी बनाइए। अब जल शब्द का अर्थ बता दूं, ज का मतलब होता है जिससे आप उत्पन्न होते हैं, जनन जिससे हो, और ल का तात्पर्य है विनाश होने पर जिसमें जाकर के मिल जाते हैं, वो कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा का एक नाम जल है। क्या? क्योंकि सारी की सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है और विलय काल में उसी में जाकर के विलीन हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पानी का स्पर्श नहीं किया, पानी का भी स्पर्श कर सकते थे कौन? भगवान वेद व्यास जल का स्पर्श कर रहे हैं। अगर आपको अपने मूल पुरुष मूल अस्तित्व को समझना है तो संसार से आपको व्यवहार छोड़ करके थोड़ी देर के ध्यानस्थ होना होगा। अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को समाहित करिए मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को चित्त में और चित्त को परम चैतन्य में। जैसे ही आप स्पर्श करवाएंगे आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ से आपका ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ है और अंत काल में जाकर इसमें विलीन हो जाता है। आज भगवान महामुनि वेदव्यास ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के उस परमात्मा का स्पर्श कर रहे हैं। परमात्मा का स्पर्श करते से ही फिर उनके हृदय में प्रेम की वो धारा बह चली, जिसका परिणाम ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। फिर आ जाइए, अगर आप व्याकुल हैं, आपके जीवन में आनंद की तरंगे हिलोरे नहीं मार पा रही हैं, तो ध्यान देकर के अंदर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य थोड़े रुक न हो रहे हो? कभी कभी मंदिर में, कीर्तन में, कथा प्रवचन में बैठने पर भक्ति थोड़ी मोड़ी होती हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जीर्ण अवस्था में हो, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। यदि ऐसा समझ में आता है तो किसी देवऋषि नारद को पकड़िए और उससे कहिए, देवऋषि नारद कौन है? देवऋषि नारद को पकड़ करके आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि महर्षि कृपा करके मेरे ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्रों को पुनः यौवन प्रदान कर दीजिए। ये बातें मेरी आदमी तभी समझ में आएंगी जब पूरी कथा या तो आप पहले किसी से सुने हुए हो या यहीं पर आपने सुनी हुई हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन फिर भी इसको धारण करने से कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूल से वृक्ष में पानी डालिए या जानबूझकर वृक्ष को हरा रहे, भूल से पैरासिटामॉल खाइए या जानबूझकर खाइए। Even you not know the characteristic virtues of that paracetamol, but that will help you to remove your fever. अगर आप भूल से भी देवऋषि नारद की भांति श्रीमन नारायण शब्द का उच्चारण करने लगे, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे, ओम दुर्गावे नमः या ओम नमः नमः या जो कुछ भी 7 करोड़ मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे हैं, उनमें से कोई एक मंत्र को आप अपने कंठ के साथ स्पर्श करवा करके उसे निरंतर जपने लगेंगे तो अपने आप ये देखेंगे कि भक्ति भी अंदर से उदित हो रही है, ज्ञान और वैराग्य भी आपकी सेवा कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाए उसका जीवन कभी नीरस नहीं हो सकता, he will never be frustrated, वो कभी विषण का शिकार नहीं हो सकता है जिसके हृदय में भक्ति की तरंगे उठती हो, जो ज्ञानी हो और जो वैरागी हो। आप ध्यान दीजिएगा, विषण का एक बड़ा कारण ये है कि आप जो चाहते हैं और जो आप करते हैं उसमें फासला बढ़ जाएगा, विषण का शिकार हो जाएंगे। आप जो रिजल्ट चाहते हैं और जो कर्म कर रहे हैं इसमें जब फासला बढ़ने का मतलब ही है डिप्रेशन। दूसरा डिप्रेशन का कारण ये होता है कि आप
प्रेम से भरे हुए दिल है, आपको अंदर प्रेम की हिलोरे आप प्लावित नहीं करेगी तो आप बीमार हो जाएंगे मानसिक रूप से। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखने की चेष्टा करें कि भक्त ज्ञान और वैराग्य यदि अंदर सूख रहे हो तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही आप हरे राम हरे राम 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 हरे हरे करना प्रारंभ कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब के सब तरंगे आपके भीतर उर्मियों के रूप में उठने लगेंगे। शराब पी करके केवल नाचते थे पागलपन में, ये उसी भीड़ में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं और जाने के बाद वहां पर हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम जब वो जाकर के वहां पर इस प्रकार से कीर्तन करने लगे तो नशे में बाकी के जो लोग थे वो भी झूमने लगे और कीर्तन करने लगे। कीर्तन के करते 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 एक समय ऐसा आया जब उनका नशा तो छूट गया लेकिन नशे का प्रभाव लगातार बना रह गया। किस कारण से? राम नाम की कीर्तन के कारण। और आज आप देखिए तो पूरे विश्व में इस्कॉन टेम्पल की स्थापना है। अब ये अलग बात है कि वो अब विधर्मियों के हाथ में, अब हिंदुओं के हाथ में नहीं है। कहीं अगर आप जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में तो उसका उसकी सुंदरता देख करके पहले चले जाइए, वहाँ डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा अमेरिका जा रहा है, वो भारत नहीं रहता। जितना भी आप डोनेशन देते हैं वहाँ पर वो सब अमेरिका चला जाता है और फिर प्रकारांतर से लौट कर हमारे ही धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय। तो अगर जीवन में सुखी रहने की चाहत हो तो पहले तो अपने जड़ को पहचाने, ठीक है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं महाराज। भैया भगवान को तो मानना ही है लेकिन भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानना पड़ेगा। कहते तो हैं कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान की अगर मानना है तो भगवान के जो उद्दिष्ट मार्ग हैं उनका आप क्या पालन करने से रहित हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
भगवान की मानने की का मतलब ये है कि भगवान के उपदेशों को, भगवान के आदेशों को आप जीवन में उतारिए। और वो है, यदि सांसारिक सुख और वैभव की अभिलाषा से आप युक्त हैं, तो देवताओं के लिए हवन करना और पितरों के लिए तर्पण करना ये आप न छोड़ें। अपने संततियों को ये शिक्षा अवश्य दे दें, आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए या मत करिए उनके भीतर, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने जड़ों से जुड़े रहे, परमात्मा से जुड़े रहे। और परमात्मा की ये जो दो मुख्य आदेश है, देवगण और पितृगण, देखिए प्रधानमंत्री से आपकी मैत्री घनिष्ठ हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको कुछ आवश्यकता नहीं है करने की। लेकिन अगर आप ध्यान दें श्रीमद् भागवत महापुराण में ही, तो एक जगह को नंद बाबा को वो मना कर रहे हैं कि महाराज इंद्र को, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पंडित जी लोग जानते हैं कि कोई भी यज्ञ यागादि होगा तो उसमें इंद्र का भी आमाहन होगा, तो फिर वसुदेव जी को मना क्यों नहीं किए कि आप कहे को इंद्र को हवन कर रहे हैं, कहे आहुतियां दे रहे हैं, मना किए नहीं, मना किए। यानी शास्त्र के नियम के अनुरूप आपको हवन करना है देवताओं को तृप्त करने के लिए, और पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण करने की आवश्यकता है। यदि आप इससे अपने आप को हटाते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में कुछ दिन तक हरियाली रहेगी, ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। जैसे आप अपने शरीरस्थ जो देव हैं, भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर भी तो बना है, इसमें भी वो देवता वास करते हैं। यदि आप जल न दें तो ये वृक्षवा सूख जाएगा या हरा भरा रहेगा? अगर आप खाद न डालें तो ये वृक्ष हरा भरा रह सकता है क्या? नहीं। तो जो ये कहते हैं कि ओम इंद्राय स्वाहा करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी अच्छा गरीबों को दान कर दीजिए, तो उनसे पूछिएगा कि भैया आप जो आपकी कोठिला में अनाज रखा है और बैंक में जो बैलेंस रखा हुआ है वो लाइए गरीबों में बांट देते हैं, कोई तैयार होगा? नहीं। आपके सामने की थाली हम उठा करके गरीब को दे देते हैं, आप क्या करेंगे लेकर? नहीं, वो तैयार नहीं होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि इस बहकावे में कभी नहीं आए, क्योंकि जो आप अग्निदेव को स्वाहा करते हैं वो लौट करके आता है और आपको ही प्राप्त होता है। इस पर पूरे विस्तार के साथ मैंने चर्चा किया था। आज समाहार का काल है, आज हमें पूरे भागवत को समेटना है, इसलिए जो मूल निचोड़ है उसके पूरे उपक्रम के साथ हम आपको बतला देना चाहते हैं। पितरों को जल देना और देवताओं को आहुतियां देना, देवताओं को जितना आप भोग लगाते हैं वो पूरा का पूरा लड्डू पेड़ा मिठाई सब वैसे के वैसे रह जाता है। लेकिन भगवान ने ये कहा है कि मेरे दो मुख हैं, एक ब्राह्मण मुख है जिससे मैं ग्रहण करता हूँ, और दूसरा पितृगण है, अग्नि मुख देव है, अग्नि में अर्पित करने पर मैं ग्रहण करता हूँ, या फिर ब्राह्मण को। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण उदार होता है, ब्राह्मण विद्वान होता है, और वो सबसे सूक्ष्म तरंग अपने भीतर से निकालने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि उसका जुड़ाव परमात्मा के साथ होता है। अगर ऐसे किसी भगवत भक्त को आप प्रेम से प्रसाद पवाएंगे तो फिर वो जो आहा के माध्यम से गुड वेव भी निकालता है, जो प्लेजर वेव निकालता है, उससे परमात्मा प्रसन्न होता है। कोई साइंस का मानने वाला हो तो उसके लिए भी सिद्धांत है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि ब्राह्मण का मुख और अग्नि का मुख, अग्नि में जो कुछ भी आप स्वाहा करेंगे अग्निदेव को अपना हिस्सा मिल जाएगा, जल देव को अपना हिस्सा मिल जाएगा, वायु देव को अपना हिस्सा मिल जाएगा, पृथ्वी मैया को अपना हिस्सा मिल जाएगा, और आकाश तत्व को उसका अपना हिस्सा मिल जाता है। तो अग्निदेव को अर्पित करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये भगवान ने दो मार्ग बतलाए हैं, लेकिन इन सभी से भी श्रेष्ठ एक मार्ग है, वो है भक्ति का मार्ग, जहाँ आप पल पल परमात्मा अपने अस्तित्व से जुड़ करके आनंद ही आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जब तक आपकी जीवात्मा परमात्मा के साथ संयुक्त न हो जाए, बड़ा आवश्यक है कि ये हवन होता रहे।
नहीं तो शरीर क्षीण होगा और आप भगवान के साथ संयुक्त होने के पहले ही प्राण के रूप उड़ जाएंगे। दूसरी बात ये मैंने एक और उदाहरण दिया था, जब तक आपका एरोप्लेन उड़ नहीं जाए तब तक एयरपोर्ट भली प्रकार से सुरक्षा करने की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है ये शरीर रूपी एयरपोर्ट अगर ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं रखा गया, पता चला थोड़ा सा ज्यादा घी तेल खा दिए तो हार्ट अटैक हो गया, तो तब तक इस एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना है जब तक इसमें से जीवात्मा रूपी जो प्लेन है वो उड़ करके परमात्मा रूपी अधिष्ठान अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तीसरी बात ध्यान देने की ये है कि इसको सुरक्षित संरक्षित रखते हुए एक बात और अपने जीवन में उतारें, यदि परिपक्षण आनंद और उर्मियों को महसूस करना है तो श्री भगवान के पाद पद्मों की सेवा करें। क्या करें? पाद पद्मों की सेवा करें। उसका तात्पर्य ये है भक्ति के साथ भाव के साथ परमात्मा के अंगों से अपने को जोड़ करके रखें, आपके जीवन में कभी भी दुख का समावेश नहीं होगा। देवी मित्रजनों, श्री भगवान के इन मूल चीजों के इन मूल आदेशों को अपने जीवन में उतार लेने मात्र से हमारा जीवन परमात्मामय हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी ने दशम स्कंध के समापन के साथ ही एकादश स्कंध में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरे ज्ञान और विज्ञान की बौछार कर दी। क्योंकि ये जो बातें बतलाई गई थी श्री वेदव्यास जी ने अपने योग्य शिष्यों के लिए की थी, श्री सुखदेव जी परीक्षित जैसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिन्हें धर्मशास्त्र का भली प्रकार ज्ञान है। एकादश स्कंध में दिए गए चीजों को अगर हम आज समापन के दिवस में बतलाते तो शायद आप 0.001% न समझ पाते। इसलिए प्रथम दिवस से ही मेरा ये उपाय रहा है कि उसकी कुछ कुछ चीजें मैं आपके अंतःकरण रूपी भूमि में बीज वपन कर सकूं, जिससे कि जब कभी आप उसमें श्रद्धा पूर्वक खाद और पानी डालें तो वो वृक्ष का रूप ले सके, और जिस दिन वो वृक्ष का रूप लेगा भक्ति रूप फल आपके हृदय में आएगा और कृष्ण का आविर्भाव उसी दिन आपके हृदय में हो जाएगा। तो प्रथम दिवस से ही जो ज्ञान की जितनी चीजें हैं उन उनको कथाओं के माध्यम से मैं आपके हृदय में बोने का प्रयास करता रहा हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। एक भजन का आश्रय लेते हैं और इसके बाद फिर हम कथा सुनकर आगे संप्रदाय करते हैं। जब भूल जब भूल मेरे श्याम मेरे दुख के मेरे दुख Thank you.